भारत इस 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का 74वां जश्न मना रहा है, जिसकी पूरी देश में धूम है। लेकिन इसी के बीच देश में कई ऐसे भी सीन्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कचरे की गाड़ी में तिरंगे को भरकर लोगों को दिया जा रहा है। देखिए पूरी वीडियो। कई बार तिरंगे को हाथी पर लाद कर इसकी सवारी की जा रही है, जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी के साथ जश्न आज़ादी पर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले शेर मैसूर टीपू सुल्तान के एक पोस्टर को कुछ भगवावादियों ने फाड़ डाला, जिसके बाद बताया गया है कि 3 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये घटना कर्नाटका की बताई जा रही है। देखिए इस वीडियो में। इसी के बीच ये वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के कुछ नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तिरंगे का किधर से सीधा भाग है और किधर से उल्टा। इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब इस तिरंगे की बात हो ही रही है तो इस वीडियो को भी देख ले, जो मदरसे के कुछ छात्र तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं और कितने जज्बे से अपने देश प्रेम को जता रहे हैं। ये इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि मदरसे पर कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ देश विरोधी काम होते हैं। आखिर में ये वीडियो भी देखे जो बीजेपी के पूर्व मिनिस्टर नितिन पटेल का है, जिनको एक गाय ने तिरंगे के साथ घोप दिया। इस हादसे के बाद नितिन पटेल को पैर में फ्रैक्चर की रिपोर्ट है।